हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन एक धोखा आपके बेटे ने भी दिया है मुझे। मैंने आज तक आप लोगों को ये बात नहीं बताई, लेकिन आज आप सबके सामने मैं एक बात बताना चाहती हूँ। उस दिन मंदिर जाते वक्त आपके बेटे ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए भटूरे चाहिए थे, हम जब वो तोड़ने गए तो हमारा पैर फिसल गया। मासा ये सब कैसे हुआ मैं खुद नहीं जानता। मैंने जो पानी पिया शायद उसमें कुछ मिला हुआ था और उसे पी के मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि साथ नहीं दिया है, सच्चाई का साथ दिया है। शिबू भैया, मैं ये जानती थी कि ये सब चाल इसकी है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिल रहा था इसके खिलाफ। शिबू, इससे पहले कि ये कोई और झूठ बोले, इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। थाने फोन करता हूं, तब तक देखना है भागने ना पाए। जी भाई, ये पकड़ा उसको भी पकड़े। ये पुलिस की धमकी जाकर किसी और को देना, कुंदन पांची को नहीं। और ये तेरे जैसे पुलिस वालों को ना जेब में रखता है कुंदन पांची। अच्छा, दो मिनट रुक, सब पता चल जाएगा। दो मिनट में बताता हूं तुम लोगों को। हाँ,
वाले अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो लौंडे की गर्दन उखा के यहीं फेंक दूंगा। अनु देखो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। कुंदन अनु को छोड़ दे। कर इस मोटे से सीढ़ी लेकर आ। नहीं दूंगा सीढ़ी। अब सीढ़ी दो। नहीं दूंगा। सीढ़ी दो। कुंदन, चाकू अब हमारे पास, तो चल। जेठानी जी, अपना स्वागत नहीं करोगी अपनी इस देवरानी से? और पुलिस भी आ रही है आपका स्वागत करने के लिए। चलो अपने गहने निकालो और मासा को वापस करो। तुम उतार दियो या हम लोग उतारे? मारे झुमके भी दे। ओए, मुझे बागाड़ की कसम, वो जो निम्मी थे वो जी, यही वो लड़की है जो मेरे साथ टकराई थी। हाँ क्या ये? चल उतार, उतार, उतार झुमके, उतार रही हूँ। वो जी आपने बिट्टू जी को माफ कर दिया ना? ओए माफ कर दिया ना? और वैसे भी एकोड़ी हम सबको बेवकूफ बना सकती है, तो आप तो फिर हमारे घर में सबसे भोले हो ना? देवी बहू, बिट्टू एकदम सही कह रहा है, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। चलो जाओ। हमें माफ कर दो करंटिया, अनामिका की बातों में आकर हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और तुमने आज अपनी जान पर खेलकर हमारे पोते की जान बचाई। हमें हमें माफ कर दो करंटिया। नाना मासा, आप तुम्हारी मां समान हैं। से माफी मांग के मारे पे उस पाप ना चढ़ाइए।
वैसे ही मैं बहुत अभागी हूँ। नहीं करंटिया, हम समझ गई होंगी ना कि शिप्पू भैया करंटिया से कितना प्यार करते हैं, तभी तो इसकी चोट का दर्द भैया की आंखों से बह रहा है। तुम ठीक कह रही हो लवली, शायद हम ही ये सब देख नहीं पाए। चोट तो लगी? नहीं, पहले बताओ आपको कहीं लगी? दादी सा, अगर आपको मेरे लिए न्यू मम्मी लाना है ना, तो करंतिया दीदी को मेरी मम्मी बना दो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बिंदड़ी, अभी भी देर ना हुई है, इन दोनों की शादी करवा दे। करंटिया से अच्छी माँ थारे पोते को नहीं मिलेगी, जान लुटाती है थारे पोते पे। शिबू बेटा, तू तू राजी है ना ये ब्याह करने के लिए? मेरी भी वही मर्जी है मासा, जो जो अनु की है। करंटिया, रो क्यों रही हो? तुम तो यही चाहती थी ना? हम भी बहुत है आज, जब शिबू बेटा और अनु ये चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि तू इस घर की बहू बन जाए। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? मौका भी है, दस्तूर भी है, और पंडित जी भी तैयार है, और गंगा राम भी, कर दे तो उनकी शादी। लवली बहू, जाओ करंटिया को तैयार कर दो, दुल्हन बना दो इसे। जी मासा, चलो। कौशिक परिवार में
बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। मिसेस कौशिक की पांच बहुएं, मिसेस कौशिक की पांच जीत गए, शादी हो गई। हाँ। I love you. I love you too. लाख लाख शुक्र है आपके आशीर्वाद से आज हम एक बार फिर अपनी पांचों बहुओं के साथ हैं। परिवार में बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। सीधे पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। Thank you.
शिबू बेटा, अब तुम तलवार से थालियां हटाओ और तुम उन थालियों को एक एक करके उठाओ। और हाँ, ध्यान रहे कि आवाज नहीं होनी चाहिए। Let's go.